लेकर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कंकड़ बाग के पास ये हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, कभी स्कूटनी तो कभी फॉर्म भरने के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। छात्र सेशन लेट होने से भी नाराज हैं। छात्रों की मांग है कि इन सब खामियों को दूर किया जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। छात्रों ने एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग की है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग आज यहाँ पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मांग रखने के लिए आए थे कि विश्वविद्यालय के कंट्रोलर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 2019 से लेकर 2020 में जितना भी प्राइवेट जो पोर्टल यहाँ पे जनरेट किया गया कैश फ्री नाम से, पंकज कुमार के नाम से जो कि करोड़ रुपये घोटाला किया गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10 रुपये लिया गया, एग्जामिनेशन फी के नाम पर 10 रुपये लिया गया, प्राइवेट एजेंसी को ये पैसा देती बिना टेंडर का कंपनी देकर विश्वविद्यालय को गरिमा को धूमिल किया है। आज विश्वविद्यालय में फिलहाल एक वर्षों से करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हर ईयर स्कूटनी के नाम पर कैपिटल रिजल्ट को ठीक कर दिया जाएगा, करोड़ रुपए वसूला जाता है जिसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बिना वित्त विभाग के, जैसे विश्वविद्यालय में एक वित्त विभाग होता है एफओ, बिना एफओ के जानकारी के अनुसार एफओ ने कोई साइन नहीं किया टेंडर के कागज पे। एफओ को ये भी नहीं पता है कि विश्वविद्यालय में फंड कितना आता है पर महीने में। डिमांड क्या है? डिमांड हम लोग ये कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के कंट्रोलर को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसके द्वारा जो 2019 से लेकर 2022 तक जो कैश फ्री नाम का एक पोर्टल लाया गया था जनरेट करके और जो विद्यार्थियों से 10 करोड़ रुपया वसूला गया, उस पैसों का हिसाब किताब दे और विश्वविद्यालय कंट्रोलर को जेल भेजने का काम विश्वविद्यालय कुलपति करे। नहीं तो विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे और विश्वविद्यालय के कुलपति समेत राज्यपाल कुलाधिपति को भी हम लोग नहीं छोड़ने का काम करेंगे। हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन करते हुए राजभवन का भी घेराव करने का काम करेंगे। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ही करोड़ों का घोटाला किया गया है फिलहाल एक वर्ष में। जितने भी प्राइवेट जो कॉलेज है पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों से लाखों रुपया एग्जामिनेशन में नंबर बढ़ाने के नाम पर लिया जाता है। विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा धांधली का काम किया जा रहा है। आज पूरा विश्वविद्यालय मरने के प्रांत पर चला है। पूरा विश्वविद्यालय के तमाम छात्र आज मरने के कगार पर आ गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय के कंट्रोलर के कारण जी तक नहीं हो रहा है। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस, सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर।